गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज के टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। तो पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक ट्रिक दूंगी जिससे आप लर्न कर सकें कि मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, रूट्स में भी और स्टेम में भी, ठीक है, जिससे आप भूलेंगे नहीं और आराम से आप उनको लर्न कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। जैसे ये जो है डाइकॉट का प्लांट है, सो डाइकॉट में आपको पता है मोटे मोटे तने होते हैं, वो वाला प्लांट होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी रूट में एक स्टार है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं कि इसकी रूट में स्टार कैसे है, कहाँ से आया वो स्टार। तो एक छोटा सा स्टार है इसलिए उनको झुक झुक के झांक झांक के यहाँ से देखना पड़ रहा है कि वो स्टार कहाँ पर है, कैसा है, कैसी लाइट उसमें से आ रही है। तो सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं देखने के लिए उस स्टार को। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टार क्या है और ये क्या है। तो स्टार मैं भी आपको बताऊंगी, बाकी मैं स्टेम का डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये क्या है, बेसिकली इससे आपको याद होगा कि जैसे इसके रिंग में अरेंज होते हैं वस्कुलर बंडल, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वस्कुलर बंडल को जो रिंग में अरेंज हैं ये जो लोग हैं, और ये रिप्रेजेंट करेगा रूट की। अभी हम एनाटॉमी जो देखेंगे कि स्टार का मतलब क्या है। यहाँ पर मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट का जो कि पतले पतले प्लांट होते हैं, इसके अंदर क्या है, इसकी रूट में एक सन है और सन की इतनी ज़्यादा रोशनी है कि लोग इसको ऐसे नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने उसको पूरा ढक दिया है। और ढक दिया है तो ऐसी चादर से ढका है जिसके ऊपर सितारे ऐसे ऐसे करके लगे हुए हैं जो पूरे में फैले हुए हैं। तो ये जो सितारे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके वस्कुलर बंडल को जो कि पूरे में ऐसे स्प्रेड होते हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा, स्टेम वाली, वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसमें उसके जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो पूरे में स्कैटर्ड रहते हैं। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सन है, ये अभी हम देखेंगे कि मोनोकॉट के अंदर ये सन का मतलब क्या है, ठीक है, कैसे इसका वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है। तो स्टार्ट करेंगे हम, ये आपको बस ध्यान रहेगा तो आप याद रखेंगे कि इसके स्टेम में कैसा अरेंजमेंट है और रूट में कैसा अरेंजमेंट है, यहाँ पर भी डाइकॉट में भी और मोनोकॉट में भी। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले जो है डाइकॉट रूट से, डाइकॉट रूट। तो आपको याद रखना है कि इसकी रूट में स्टार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया है एपिडर्मल सिस्टम। तो सबसे आउटर मोस्ट जो होता है स्ट्रक्चर वो क्या है, सबसे आउटर मोस्ट जो है वो है यहाँ पर एपिडर्मिस, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर बना लेते हैं हम एपिडर्मिस। यहाँ पर क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं है, रूट के अंदर क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पानी के अंदर है और ये जो है इसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन की या वाटर लॉस से रोकने की इसको ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, ये आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है। ये बन गए हमारे रूट हेयर सबसे आउटर में, जो कि एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है जो वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करेंगे। उसके बाद आप सोचते होंगे कि हम डायग्राम बनाएं कैसे, तो उसके बाद का जो रीज़न है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। यहाँ पर अंदर आता है आपका ये एंडोडर्मिस का रीज़न आता है। सो ये पूरा रीज़न एंडोडर्मिस में जो है वो बैरल शेप्ड सेल होती हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, बैरल शेप्ड सेल्स हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं ये। ठीक है, ये है एंडोडर्मिस, यहाँ से एपिडर्मिस के बाद से लेकर एंडोडर्मिस तक का जो रीजन है ये रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये रीजन क्या कहलाता है, ये रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स। और यहाँ पर होती हैं पैरेन्काइमा सेल। तो अब आप पैरेन्काइमा, आपको पता है कि एक जैसी सेल है सारी, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, बना डालो सारी सेल्स, बस इसमें कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं है, पैरेन्काइमा की सेल बना दो पूरे में, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कॉर्टेक्स, कहाँ से कहाँ तक कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस से नीचे से लेकर के पूरा एंडोडर्मिस तक का जो रीजन है वो है हमारा कॉर्टेक्स का रीजन, कहाँ से, एपिडर्मिस से के नीचे से लेकर के और एंडोडर्मिस तक का रीजन आता है हमारा कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पैरेन्काइमा की सेल है, ये पैरेन्काइमा है। अब एंडोडर्मिस जो है, इस एंडोडर्मिस के अंदर
सुबैरिन का डिपोजिशन होता है, यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। ये किसके लिए हैं? ये सिर्फ रूट्स के अंदर हैं। क्यों हैं? ये चेक पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी यहाँ से आएगा, पानी यहाँ से मूव कर रहा है एपोप्लास्ट मूवमेंट से, जो इसके बीच में स्पेस है या सेल वॉल है वहाँ से ये मूव करता है, कोई भी आयन यहाँ से एंटर कर सकता है। तो उसको चेक करने के लिए कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, कौन सा आयन अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो कि बनी हो जिसके अंदर किसका डिपोजिशन है? सुबैरिन का। तो ये देखता है, जिसकी ज़रूरत होती है वही सब अंदर जाता है, जो इसके लिए ज़रूरी नहीं है वो नहीं जाता है। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है एंडोडर्मिस के अंदर, वो क्या है? सुबैरिन का डिपोजिशन है। अब इसके अंदर का रीज़न, यानी यहाँ एंडोडर्मिस से अंदर का जो रीज़न है वो पूरा, वो कहलाता है स्टीले, स्टील, ठीक है। एंडोडर्मिस तक का रीज़न, एपिडर्मिस से नीचे, और एंडोडर्मिस तक का रीज़न हो गया हमारा कॉर्टेक्स, और एंडोडर्मिस के अंदर का रीज़न जो भी कुछ इसके अंदर आएगा वो सब कहलाएगा स्टील। अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएंगी हमारी फिर से पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। दो तीन लेयर में हो सकती हैं ये, ठीक है। इसका क्या रोल है पेरीसाइकिल का? ये है पेरीसाइकिल, ये भी पैरेन्काइमेटस हैं, ये लेटरल रूट्स बनाने में हेल्प करती हैं। क्या बनाती हैं ये आगे चल के? लेटरल रूट्स। तो लेटरल रूट्स बनाने में हेल्प करती हैं ये पेरीसाइकिल की सेल्स। पेरीसाइकिल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? वस्कुलर बंडल। और वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, हम आप पढ़ चुके हैं, वस्कुलर बंडल रूट्स के अंदर कैसे होते हैं। आर से मैंने आपको याद कराया था रेडियल और एक्सार्च। एक्सार्च क्योंकि देखो रूट हेयर्स बाहर की तरफ जा रही हैं, और एक्स मतलब होता है कि जो भी आउटर सरफेस पर हो, रेडियल मतलब अलग अलग रेडियाई पे हैं, जाइलम फ्लोयम। सो अब हम बना लेते हैं वस्कुलर बंडल, यानी जाइलम फ्लोयम अंदर अलग अलग रेडियाई पे हैं, तो हो गया रेडियल जो कि रूट्स में होता है। एक्सार्च कंडीशन किससे हम देखते हैं? प्रोटोजाइलम से। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो कंडीशन हो जाती है एक्सार्च, अंदर की तरफ है तो एंडार्च। तो बाहर की तरफ होगा तो हम बाहर की तरफ बना लेते हैं प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, ठीक है। सो ये बाहर की तरफ क्या है? प्रोटोजाइलम। और अंदर की तरफ क्या है? मेटाजाइलम। सो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एक्सार्च कंडीशन है, यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है। ये क्या है? फ्लोएम, ये है जाइलम। देखो अलग अलग रेडियाई पे हैं, फ्लोएम अलग रेडियाई पे है, जाइलम अलग रेडियाई पर है, ठीक है। जाइलम अलग रेडियाई पर हैं और फ्लोएम अलग रेडियाई पे हैं, तो वस्कुलर बंडल है रेडियम टाइप। और जो बीच में होती है वो होती है पिथ, जो इसके अंदर बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, ये भी फिर भी बन गई है जो दिख रही है आपको, बिल्कुल इनकॉन्सिपिक्वेस, बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो बहुत स्मॉल इसके अंदर पिथ होती है यहाँ पर, ठीक है। और जो बीच का है यहाँ पर, इन जाइलम फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम के जो बीच का टिश्यू है उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ भी पूरा पूरा पैरेन्काइमा भरा होता है, सारा पैरेन्काइमा होता है यहाँ पे भी, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। इनके बीच में भी पैरेन्काइमा, यानी पूरा टिश्यू के अंदर क्या, पूरा रूट्स के अंदर क्या भरा हुआ है? पैरेन्काइमा। तो यहाँ इसके बीच बीच में पूरा पैरेन्काइमा भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डाइकॉट रूट की एनाटॉमी। तो स्टील के अंदर हमारा जो है, उसके अंदर स्टील के अंदर क्या आ गया? स्टील के अंदर आ गया हमारा पेरीसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पिथ, ठीक है। ये तीनों आ गए हमारे इसके अंदर। वास्कुलर बंडल कौन से हैं? वास्कुलर बंडल हैं रेडियल हैं, एक्सार्च हैं, पेरीसाइकिल से हमारा ये निकल रहा है लेटरल रूट्स, एंडोडर्मिस से लेकर और यहाँ तक का, एपिडर्मिस से नीचे का रीजन हमारा कॉर्टेक्स है, यहाँ पर भी पैरेन्काइमा है, एपिडर्मल का एक्सटेंशन यहाँ पर क्या है? रूट हेयर्स, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डाइकॉट रूट। इसी से मिलता जुलता ही हमारा पूरा मोनोकॉट रूट है। डिफरेंस क्या आएगा वहाँ पर? ऐसा ही बनेगा वो भी। सो मोनोकॉट रूट में क्या आएगा? अगर हम मोनोकॉट रूट की देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट,
अगर हम मोनोकॉट रूट की देखते हैं एनाटॉमी, तो वही सेम आउटर मोस्ट लेयर क्या बनेगी, एपिडर्मिस, वही बनाएंगे आप एपिडर्मल सेल्स, ये कॉन्टीन्यूस बनाते हैं आप। फिर रूट हेयर्स बनाएंगे, सेम वैसे ही बनाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर ये अपना एंडोडर्मिस बनाएंगे, वही बैरल शेप सेल्स। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और डिफरेंस भी एक साथ ही दिख जाए। एंडोडर्मिस के सेल वही सेम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसके अंदर भी हैं, सुबैरन की सेम वही है, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर वही कॉर्टेक्स है पैरेन्काइमेटस, वैसे ही बनाओगे पैरेन्काइमा का पूरा कॉर्टेक्स बनाओगे, ठीक है। सो ये एपिडर्मिस, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अब इसके अंदर वापस से वही पेरिसाइकिल, सेम वही पेरिसाइकिल आएगी यहाँ पर, जैसे वहाँ था पैरेन्काइमेटस, वही ये भी वही बनाएगी जो उसमें बना रही थी। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो हमारा अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर सन प्रेजेंट है वैसे ही होगा, यानी यहाँ पर वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कितने होते हैं, वही सेम है, एक्सार्च है, रेडियल है, पर वस्कुलर बंडल कितने हैं, 6 से ज़्यादा, मोर देन 6 या मोर देन सिक्स और 6, तो वैसे ही हम बनाएंगे। तो ये एक पोजीशन, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये पाँच छः, तो देखो ये सन जैसी स्ट्रक्चर बन गई, वही प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, 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 प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। तो सन जैसी स्ट्रक्चर दिख गई, सेम वैसे ही यहाँ पर ये फ्लोएम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, बीच में यहाँ पर पित, पित भी पैरेन्काइमेटस होती है। तो देखो सन सन की तरह दिख रहा है पूरा, सन छः हैं ये, और मोनोकॉट के अंदर कितने होते हैं, मोनोकॉट के अंदर जो जाइलम होते हैं वो 2 to 4 होते हैं, तो पित बहुत कम होती है, अंदर तक घुसे रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो दिख रहा है बिल्कुल ऐसे प्लस की तरह, मतलब ये पूरा मैंने तो फिर भी दिखा दिया, ये पूरा प्लस की तरह इसी तरह दिखता है, स्टार की तरह, स्टार की तरह। अब ये सन रेज बनाई थी, यहाँ पे सन बनाया था, तो वो सन यही है कि यहाँ पर जो होते हैं वो 6 होते हैं ऐसे रेज की तरह से, इसमें ऐसे दिख रहे होते हैं पूरा। तो मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर, क्योंकि एक्सार्च कंडीशन है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर ये 6 या मोर देन 6 आप बनाओगे, बाकी सेम एनाटॉमी सेम है पूरा का पूरा, बस यहाँ पर पिथ आपको दिखेगी मोनोकॉट के अंदर, पिथ बड़ी सी दिखती है तो बीच में ऐसा स्पेस बन जाता है, और ये 6 होते हैं तो ऐसे रेस की, सन रेस की तरह दिखते हैं, बाकी सेम वही है, अंदर मेटाजाइलम, बाहर प्रोटोजाइलम, सेम वही है पेरिसाइकिल, और बीच का टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू, और ये स्टील, स्टील वाला पोर्शन पेरिसाइकिल से अंदर का सारा पोर्शन जो है वो स्टील वाला, मतलब सब कुछ वही है, खाली ये डिफरेंस है बस कि यहाँ पर ये सनरेज की तरह 6 हैं या 6 से ज़्यादा होंगे, बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है, जैसा हमने मोनोकॉट में बनाया सेम वही है, यहाँ पर भी सेम वही बनाओगे आप। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने ये आपको क्यों बताया था, और इसमें जो ये वस्कुलर बंडल हैं वो स्कैटर्ड होते हैं पूरे स्टेम के अंदर, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। तो स्कैटर्ड चुन्नी में ये निशान दिखा रहे हैं, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सन अभी हमने बना दिया, ये रिंग में अरेंज होते हैं स्टेम में वस्कुलर बंडल, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये स्टार हमने यहाँ ये बनाया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई होगी एनाटॉमी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।